हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था अनीमिया का क्या कारण है, अनीमिया क्या होता है। इसमें हम देखेंगे अनीमिया के क्या लक्षण हैं। अनीमिया क्या होता है, जब इंसान के शरीर में ब्लड जो 7 ग्राम से डाउन हो जाता है, 5, 6, 3, 4 इतने ग्राम आते हैं ब्लड का लेवल, तो उसको हम लोग एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। तो एनीमिक अगर पेशेंट हो जाता है तो उसके शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, जो एनीमिक पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा फील करेगा थका हुआ, बहुत ही ज्यादा वीक, बहुत ही ज्यादा कमजोर, बहुत ही ज्यादा टायर्डनेस। क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हमारे जो शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच जाता है। नहीं पहुंचने की वजह से हम बहुत ही ज्यादा थकान, कमजोर और थके हुए सुस्त महसूस करते हैं। तो एनीमिया का सबसे पहला लक्षण है कि एनीमिक पेशेंट हमेशा सुस्त महसूस करेगा, टायर्ड महसूस करेगा, अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करेगा, ताकत नहीं आएगा। दूसरा है हेडेक। जो एनीमिक पेशेंट है उसके सर में हमेशा दर्द बना रहेगा, क्योंकि जो एनीमिक पेशेंट है खून की कमी होने की वजह से जो प्रॉपर मात्रा में खून उसके सर पे रेगुलेट होना चाहिए, पूरे ब्रेन पे रेगुलेट होना चाहिए, वो मात्रा में खून नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है वहां पे हमको प्रॉपर ब्लड पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि काम करता है हमारे शरीर के आर्टरीज और वेन्स। लेकिन वहीं अगर ब्लड की मात्रा कम हो जाए तो एक एक ऑर्गन्स में हमारे एक एक जो ब्रेन है, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, यहां तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचने की वजह से इंसान को बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें ये लक्षण है कि शरीर में सर में बहुत ज्यादा दर्द होना, सर में दर्द, ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से होगा पेशेंट को। उसके बाद है जो पेशेंट है एनीमिक पेशेंट, वो प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाएगा, कहीं भी फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोकस करने के लिए उसको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, जो कि ब्रेन में ब्लड की कमी की वजह से वो कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, या किसी चीज को सोचना चाह रहा है तो वो सोच नहीं पा रहा है, तो थिंकिंग और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है इरिटेबिलिटी। जो एनीमिक पेशेंट है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेबल रहेगा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि उसके शरीर में ना ताकत है, ना ही प्रॉपर तरीके से वो फील कर रहा है, एकदम कमजोर फील कर रहा है, टायर्ड फील कर रहा है, तो एनी टाइम चिड़चिड़ापन और इरिटेबल रहेगा। वो सही से किसी भी वर्क को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कुछ भी काम दोगे तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़े से काम में ही वो थक जाएगा। नेक्स्ट है भूख नहीं लगेगी। खून की कमी की वजह से अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपको भूख नहीं लगने वाली समस्या आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी, तो ये सारी समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि खून की कमी की वजह से आपके जो पाचन तंत्र है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, या तो बहुत ही ज्यादा ओवर वर्क करते हैं जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है। उसके बाद है जो पेशेंट है उसके हाथों में और पाँव में झुंझुनाहट फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन बोलते हैं जिसको, सुन्नपन होगा, झुंझुनाहट फील होगा, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी छूट जाएगा, या तो प्रॉपर तरीके से ताकत नहीं आएगा हाथ में पाँव में पकड़ने के लिए या चलने फिरने के लिए, तो इस तरीके से समस्या कॉमन समस्या दिखेगी एनीमिक पेशेंट में। अब हम देखेंगे वर्स कंडीशन, मतलब इन समस्या के होने के बावजूद अगर आप डॉक्टर के पास जा करके ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपकी कंडीशन कितनी वर्स हो जाएगी, कितनी बदतर हो जाएगी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है जो पेशेंट है उसके जो आंखों का जो कलर है वो नीला पड़ जाएगा, जो व्हाइट व्हाइट कलर दिख रहा है वो नीला पड़ जाएगा, क्योंकि ब्लड की सीवियर कमी की वजह से शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपकी आंखों में असर आएगा। तो सबसे पहले आंख नीले पड़ जाएंगे। दूसरा है जो पेशेंट है एनीमिक पेशेंट, उसके नाखून जल्दी टूट जाएंगे, इतने पतले और कमजोर हो जाएंगे कि नाखून टूटना और उखड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जो एनीमिक पेशेंट है उसका ऐसी इच्छा रहेगी कि मैं बर्फ खाऊं या बर्फ के चीजें को खाऊं, इस तरीके से उसकी इच्छा रहेगी, बहुत ज्यादा डिजायर रहेगी कि वो आइस खाए या ऐसी चीजें खाए जो नॉन ईटेबल है, जिसको हम नहीं खा सकते, वो सब चीज खाने की इच्छा होगी एनीमिक पेशेंट की। उसके बाद है हमेशा एनीमिक पेशेंट को लाइट हेडनेस रहेगा, मतलब अगर कोई वो पेशेंट बैठा है, बैठने के बाद वो खड़े हो जा रहा तो ऐसा लगेगा मेरा सर दर्द हो रहा है, सर घूम रहा है, इस तरीके से फील होगा। उसके बाद उसके जो स्किन के कलर है वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, जो स्किन के कलर है पेशेंट के वो पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खून की कमी की वजह से पीलापन दिखना शुरू हो जाता है पूरे शरीर में। उसके बाद जो पेशेंट है उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है या कुछ काम कर रहा है तो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और खास करके जब उसको एसिडिटी वाली समस्या रहेगी, जो पेट में गैस बनता है और एसिड बनता है, उस समस्या में पेशेंट को सबसे ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। उसके बाद जो पेशेंट है उसको सोर और इन्फ्लेम्ड टंग होगा, जो जीभ होता है पेशेंट का वो सूजा रहेगा और इन्फ्लेम्ड रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा फूला हुआ रहेगा, रेडनेस रहेगा जीभ में।
उसके बाद पेशेंट को माउथ अल्सर हमेशा बने रहेंगे, ब्लड की कमी की वजह से मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, तो पेशेंट को मुंह में छाले की समस्या एनी टाइम दिखेगी। साथ में जो महिलाएं हैं उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, या तो वो एबनॉर्मल तरीके का होगा या तो बहुत ही ज्यादा बढ़ के आएगा। तो इस सारी समस्या देखने को मिलती है जो एनीमिक पेशेंट है उसके लक्षण देखने को मिलता है। तो हमें एनीमिक पेशेंट को ध्यान देना चाहिए और सही समय पर इलाज कराना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।